हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पेरेंटिंग इंडिया। ये तो हम सभी जानते हैं कि मालिश बच्चे के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। ये बच्चे के ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करती है, बच्चे के बोन्स को स्ट्रॉन्ग करती है, जिससे बच्चा हेल्दी रहता है, बच्चे का मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट अच्छे से होता है। पर छोटे बच्चे की मालिश करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए, जिससे मालिश का इफ़ेक्ट और बढ़ जाता है। इसलिए आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि छोटे बच्चे की मालिश स्टेप बाई स्टेप हमें कैसे करनी चाहिए और छोटे बच्चे की मालिश करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या गलतियाँ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को उन सभी पेरेंट्स के साथ शेयर करिए जिनके घर पर छोटा बच्चा है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं ये वीडियो। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सबसे पहले बात करते हैं न्यूबॉर्न बेबी की मसाज करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है, न्यूबॉर्न बेबी की स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, इसलिए मालिश कभी भी हमें बहुत ज़्यादा बच्चे को रगड़कर नहीं करनी है। बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से, हल्के हल्के हाथों से बच्चे की मालिश करिए। सेकंड पॉइंट है, बच्चे की मालिश करते समय अपनी रिंग और चूड़ियाँ हटा दीजिए, क्योंकि इससे बच्चे को चोट लग सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आप बच्चे की मालिश करती हैं तो आपके नेल्स कटे हुए होने चाहिए। अगर आपके नेल्स बड़े हुए हैं तो बच्चे को चोट लग सकती है। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सही मौसम में सही ऑयल से बच्चे की मालिश करना बहुत ज़रूरी होता है। गर्मी के मौसम में आप कोकोनट ऑयल से बच्चे की मालिश करिए, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है। और ठंड के मौसम में ऑलिव ऑयल या बादाम रोगन से बच्चे की मालिश करिए, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, छोटे बच्चों के जो फोल्ड्स होते हैं, स्पेशली नेक वाला एरिया, थाइस वाला एरिया, तो ये सब फोल्ड्स पे बच्चे के कट लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस केस में जब भी आप बच्चे की मालिश करें तो इस एरिया की मालिश ज़रूर करिए। और जब बच्चे की अम्बिलिकल कॉर्ड टूटकर गिर जाती है, उसके बाद ही बच्चे की मालिश करना आपको स्टार्ट करना है। अब बात करते हैं कि बच्चे की मालिश स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे करनी चाहिए। आप बच्चे की मालिश करना पैर से स्टार्ट करिए और नीचे से ऊपर की तरफ हल्के हल्के हाथों से बच्चे की पैर की मालिश करिए। बच्चे की पैर की मालिश आपको लगभग 5 से 10 मिनट तक करनी है। और बीच बीच में बच्चे के पंजे को भी फिंगर की टिप से हल्के हाथों से सहलाइए। और इसके बाद आपको बच्चे की नी की यानी घुटने की मालिश करनी है, हल्के हल्के हाथों से ही। इसके बाद बच्चे के पैर की एक्सरसाइज करानी है आपको, जिसमें वीडियो में दिखाई जाने वाले 3 स्टेप आपको फॉलो करने हैं। और ये बेबी एक्सरसाइज आपको 1 से 2 मिनट करानी है। और फिर बच्चे के पैर के तलवे की मालिश आपको करनी है। और जब आप बच्चे के पैर के तलवे की मालिश करते हैं तो इससे बच्चा काफ़ी रिलैक्स फील करता है। बच्चे के पैर के तलवे में काफ़ी पॉइंट्स होते हैं जो बच्चे को रिलैक्स करते हैं। उसके बाद बच्चे के चेस्ट की मालिश करिए। चेस्ट की मालिश आपको हल्के हल्के हाथों से ऊपर से नीचे की तरफ करनी है। फिर बच्चे के पेट की मालिश करिए। बच्चे के पेट पर सर्कुलर मोशन में फिंगर की हेल्प से मालिश करिए। बच्चे की पेट की मालिश करने से बच्चे की गैस आराम से पास हो जाती है, बच्चे के पेट में दर्द नहीं होता है और बच्चे को गैस कम बनती है। उसके बाद आप बच्चे को पेट के बल लिटाइए और बच्चे की बैक की मालिश करिए। आप बच्चे की बैक को फिंगर की टिप से हल्का हल्का प्रेस करिए, इससे भी बच्चा बहुत रिलैक्स फील करता है। और ध्यान रखिए, आपको बच्चे की मालिश ऐसे नहीं करनी है कि बच्चा रोने लगे, यानी सॉफ्ट एंड से बच्चे की मालिश करिए, बच्चे को बहुत ज़्यादा रगड़िए मत। बच्चे की बैक की मालिश भी आपको 5 मिनट करनी है। इसके बाद आपको बच्चे को सीधा कर देना है और बच्चे के हैंड की मालिश करनी है। बच्चे की हैंड की मालिश आपको नीचे से ऊपर की तरफ करनी है। और बच्चे की हाथ की मालिश करने के लिए, जैसे वीडियो में दिखाया है, बच्चे की कलाई को आगे से पकड़ लीजिए, तब बच्चे के हाथ की मालिश करिए। उसके बाद आपको बच्चे की फिंगर की मालिश करनी है, बच्चे की हथेली की मालिश करनी है, इससे बच्चा बहुत रिलैक्स फील करता है। उसके बाद आपको बच्चे के सर की मालिश करनी है। सर की मालिश भी आपको हल्के हल्के हाथों से करनी है। और छोटे बच्चों के सर के ऊपर जो सॉफ्ट पार्ट होता है, उसे बहुत हल्के हाथों से वहाँ पर मालिश करनी है। उसके बाद आपको बच्चे के फेस की मालिश करनी है। बच्चे के आईब्रो पर हल्के हल्के हाथों से टच करिए। बच्चे के सर पर हल्के हाथों से दबाइए। फिर ऊपर से नीचे की तरफ बच्चे के चीक्स की मालिश करिए और बच्चे की नेक पर भी ऑयल लगाइए। बच्चे की नाक को हल्का हल्का ऊपर की तरफ प्रेस करिए और बच्चे के चीक्स की हल्के हल्के हाथों से मालिश करिए।
और इसके बाद आपको करनी है कुछ बेसिक एक्सरसाइज बच्चे के साथ, जैसे कि आगे इस वीडियो में दिखाया जाएगा। ये बेसिकली स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है जो बच्चे के लिए अच्छी होती हैं, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है जो भी आप एक्सरसाइज बच्चे को कराएं, बच्चा उसमें रोना नहीं चाहिए। यानी आराम से हल्के हाथों से बच्चे को एक्सरसाइज करानी है। अब बात करते हैं कि आपको बच्चे की मालिश करनी किस एज तक है। तो जब तक बच्चा 1.5 ईयर का नहीं हो जाता तब तक आपको रेगुलर बच्चे की मालिश करनी है, लेकिन 1 ईयर के बाद बच्चे मालिश कराते नहीं हैं, वो उठकर चलने लगते हैं, तो उस केस में आप बच्चे को बिठा कर ही, जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है, ऐसे ही हल्के हल्के हाथों से बच्चे की मालिश ज़रूर करें। और मालिश करने के 15 मिनट के बाद आपको बच्चे को नहला देना है हल्के गुनगुने पानी से। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू दोस्तों।